Citylive, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, हम लोग टॉक जर्नलिज्म के फ्लोर से हैं और हमारे साथ में अभी हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ हस्ती सायरस भरूचा है, उनसे अभी हम बात करते हैं। आजकल जिस तरीके की कॉमेडी चल रही है, जिस तरीके का ह्यूमर चल रहा है, जिस तरीके के रवैया है, क्योंकि आपका नाम इस फील्ड के अंदर एक लेजेंडरी आर्टिस्ट के तौर पे लिया जाता है, तो इसी बारे में बात करते हैं। और साथ ही आज शाम को 5 बजे सायरस का यहाँ पे सेशन है जो बिल्कुल जैम पैक होने वाला है। वेलकम सायरस। सर, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया मारूफ हस्ती और लेजेंडरी शब्द सुनने के बाद। मुझे लगता है कि मैं उम्र आई थिंक आई क्लाइम 20-25 साल ऊपर, मगर थैंक यू वेरी मच आपकी तारीफ करके करके। बट सच बताऊँ पब्लिक को, मैंने पैसा खिलाया। मेरा मानना है कि सायरस की आर्ट की उम्र जो है वो इनकी जो एक्चुअल उम्र है उससे 20-25 साल ज़्यादा है। अरे क्या तो, इंटेलेक्चुअली। मैं सायरस ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो एक स्टैंड अप कॉमेडी का जो ट्रेंड आया है और उसके अंदर हम देख रहे हैं तरह तरह के फ्लेवर हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? देखिए, ये क्रिकेट की एनालॉजी से मैं बता सकता हूँ। जैसे आपका क्रिकेटिंग बॉलिंग अटैक देखता हूँ, जसप्रीत बुमराह है जो स्विंग आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कर सकते हैं और ऑड एक्शन के साथ। मोहम्मद शामी है जो आउट स्विंग बेसिकली करते हैं, कभी कभी बॉल को अंदर लाते हैं, बट ही इज़ मोर ऑफ यूजिंग द कंडीशंस बॉलर। ईशान शर्मा है जो हाइट के साइड से आपको बाउंस और मूवमेंट मिलते हैं। एंड आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर भी है, और अश्विन जो भी करते हैं पता नहीं, बट ही इज़ अ स्पिनर एंड द बेस्ट। तो कॉमेडी के साइड से अगर आप देख सकते हो तो वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी नाउ, परंतु इसमें कुछ फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। और मैं डिफिकल्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मगर इसमें मैं कहने का मतलब है कि आप जसपाल भट्टी को लो या प्रेमचंद को लो या व्यंग सैटायर मलयालम में या हिंदी में, हिंदुस्तानी में, उर्दू में, वर्नैक्युलर्स बंगाली, मराठी, गुजराती सब में है। इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेडिशन है कॉमेडी की। ऐसा नहीं कि सडनली वी हैव डिस्कवर्ड कॉमेडी बिकॉज इंटरनेट आ गया और ये बच्चों अभी गाली देते हैं इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है। वी हैव, मगर उसमें पूरा सारे फ्लेवर्स, पूरा सारे मेन्यू कार्ड है। यू हैव द ऑप्शन ऑफ जसपाल भट्टी और सैटायर व्यंग, और यू हैव द ऑप्शन ऑफ गाली गलोच और समवन हु इज मेकिंग कॉमेंट ऑन पेरेंट्स या अपना कल्चर, सब कल्चर, कम्युनिटी, एज ग्रुप, शादी, बच्चों। तो यू नो दिस इज, आई थिंक इट्स ग्रेट एज अ गुड कॉमेडी और बैड कॉमेडी मेरे हिसाब से है नहीं, इट्स जस्ट कॉमेडी। आपको जो मनपसंद है आप ले लो, आप यू टेक दैट इन, आपको पसंद नहीं है तो यू टर्न इट ऑफ। ग्रेट। तो आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ सेंसरशिप ऑनेस्टली। मैं अगर ये बहुत खराब लैंग्वेज है, अगर उसका सोच विचार बहुत खराब है, गंदा है, यू नो, इवन इफ इट्स कॉम्युनल एंड डिस्गस्टिंग एंड यू नो इट्स डिस्गस्टिंग, फिर भी आई थिंक फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच है। मगर आपके पास ये रिमोट है या आपके पास माउस है या आपके पास कंट्रोल है, बंद करो। दैट्स द ओनली वे टू साइलेंस एनीथिंग। बट आई बिलीव कि कॉमेडी की जो एक्सप्रेशन है वो वाइड होना चाहिए, बोलिंग अटैक की जैसे हैं, अगर लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट सब है तो यू इसका जरूरत है। एग्जैक्ट, सब मारें, सब मारें। ठीक है, अब मेरा अभी इतनी लंबी जवाब के बाद आई एम होपिंग कि यू टायर्ड। नो, आई एम नॉट टायर्ड, ओनली वन मोर क्वेश्चन इज देयर। बोलिए। आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये जो इंटरनेट का जमाना आया है उसी की वजह से सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैला है, तो अगर सायरस जब आया था इंडस्ट्री में, अगर सोशल मीडिया इतना ही उस टाइम स्ट्रांग होता तो क्या होता? वो कैसा आंसर कर सकता है यार, बिकॉज ज़माना बदल जाता है, पता नहीं पिछले कंडीशंस चेंज हो जाती है उसमें, अब तो ये है तब तो वो था। अभी आई यू नो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर यार ऑनेस्टली, मगर ये मिलेनियल, अगर मिलेनियल बच्चों या जनरेशन को देखते हैं अपने साइड से, दे आर बॉर्न विद द कंप्यूटर, दे आर बॉर्न विद द एबिलिटी। हमारे पास वो नहीं था। लेट्स लुक एट 1980s में क्या था टीवी में हमारे लिए, दैट्स वाई फ्लॉप शो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। फ्लॉप शो फॉर मी वाज ओनली कॉमेडी आई कुड सी। फिर ये जो है जिंदगी आई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो 2-3 सिटकॉम थे, इंग्लिश में था मगर एक्सेस नहीं था, तो वी डिड नॉट नो दैट वॉट एवर वॉज इन अमेरिका या इंग्लैंड या जो भी है, तो बाकी की कल्चर्स तो नो ऑप्शन। और अपने साइड से 80s में जस्ट दिस मच एक्सपोजर था कॉमेडी में। इन लोग का गुड पॉइंट है कि बहुत सारे एक्सपोजर है, इंटरनेट पे सब कुछ मिल सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, कल्चर्स में, दुनिया, पूरी दुनिया की मिल सकते हैं। सो आई मीन दैट एडवांटेज इज देयर, बट आई वुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज ये गाली गलौज चालू है यार, आई थिंक दैट इज जस्ट अ पासिंग ट्रेंड। ये सडनली उसको फ्रीडम मिल गया, अभी मैं MCBC बोल सकते हैं सबके सामने, क्यों तो पावर आ गया मेरे पास, या मैं जजमेंट डाल सकते सरकार पे, तो पावर आ गया मेरे पास, या मैं कम्युनिटी या सब कल्चर को मैं
दुब सकता है थोड़ा बहुत, तो पार आगे में से आई थिंक दैट्स अ पासिंग फेज फॉर अ कॉमेडियन. उसके बाद थोड़ा आर्ट फाइन ट्यून हो जाते और बेटर हो जाते. तो दोस्तों ये थे साइरस भरूचा. गाली गलौज भी करो यार, गाली गलौज करो, लेकिन मजाक के लिए, खुशी के लिए, ह्यूमर के लिए. अंग्रेजी में एक शब्द है, सॉरी, मैलिस. वो मैलिस का मतलब क्या है? अगर आप मैलिशियस आदमी हो, मतलब आपके थॉट प्रोसेस रॉन्ग है और आपका नफरत और ऐसा हेट्रेड है आपके दिल में, तो फिर कॉमेडी नहीं होता है, फिर वो इंसल्ट होता है. मगर अगर आपके हाथ आपके दिल में खुशी है या फन है या मज़ा है, तो वो इंसल्ट नहीं होता है. तो माय पॉइंट इज़ कि व्हाट योर इंटेंट इज़ द पॉइंट. तो मैं अगर मैं बैड गाली दे सकता हूँ? दे सकते हैं. अगर मैं पैंचअप बोलता है, पता नहीं क्यों मैं इतना स्लो बोला, बट अगर मैंचअप बोलता है बट प्यार से बोलता है, तो उसका मतलब जो नहीं है, उसका मतलब है कि यू आर माय फ्रेंड. या बट ब्रदर, अगर मैं यू नो मैं अपना इंटेंट थोड़ा नफरत से बोलता हूँ या पर्सनल बात है, लॉन्ग हिस्ट्री है हम दोनों के बीच में, और फिर मैं पैंचअप बोलते हैं, मीन देयर इज डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर. सो आई थिंक वी शुड नॉट गेट कॉट ऑन गाली. हम लोग आपस में बैठ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं ना, खूब होता है, वो प्यार से बोलते हैं, खूब होता है. कितना बार बोला सर? कई बार बोला, हजार. एमसी, बीसी, टीसी, सीसी सब सिखाया मेरे को, हजार. सो दैट वाज साइरस भरूचा फ्रेंड्स. बिल्कुल वैसे ही जवाब मिले जैसे जवाबों की उम्मीद में हम इनको अपने साथ मिलाए थे. थैंक यू सो मच साइरस सर. सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स.